एक बात बताओ, तुम्हारी नाजिया भाभी इतनी बड़बड़ाती हुई गुस्से में कहाँ जा रही थी? कह रही थी छोड़ूंगी नहीं, किसे नहीं छोड़ेंगी? कहीं वो काला साया तो नहीं? अब क्या बताऊं जयप्रो चाचा, ना चाहते हुए भी ये बात तुरने के सामने आ ही रही है। अपना सिक्का खोटा निकला और किस्मत ने भी दगा दे दिया। नाजिया भाभी से बढ़ के और कोई साया हो ही नहीं सकता। अब तो पोया ने भी बोल दिया, नाजिया ही काला साया है। तो हमें फौरन अब्दाली साहब को बताना चाहिए कि उनकी सिम्मी जान और काला साया दोनों मिल गए। चलो चलो चलो। सलाम, आदाब, आप खुश रहो। मेरा मतलब है मैं खुश रहो। हम मिले थे ना बाहर जमात खाने में। वैसे मेरे घर भी एक खास किस्म का कावा है, आप बोले तो आपके लिए लेके आता हूँ मैं। अभी लाए। सब के सब बेवकूफ है, किससे पता चलेगा मुझे कि इस घर से उस रखवाले का क्या ताल्लुक है। सिमी जान, आदाब, मैं दरीबा। आप घबराइए मत, मैं हूँ यहाँ आपके साथ। कल मैं ही आपको बचा के लाया था। तो अब्बा, आपने मेरी जान बचाई। जी शुक्रिया। मैं दरअसल ये पूछ रही थी कि जब उस साए ने मुझ पर हमला किया था, उसके बाद क्या हुआ था? तो मैंने जब तुम्हें गुड्डे गुड़िये दिए थे, उसमें से मुझे एक गुड्डा चाहिए। हाँ, वो मैंने सारे यहाँ महफूज रखे। क्या आप बता सकते हैं आप इस गुड्डे से क्या करने वाले? इन्हें दोबारा से इंसान बनाने की कोशिश। आखिर आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? आप हैं कौन? कुछ तो बताइए अपने बारे में। अच्छा ठीक है, आपको ये जवाब नहीं देना तो मत दीजिए, पर ये तो बताइए कि क्या आप हमारे दोस्त अलीबाबा को जानते हैं? और जानते हैं तो वो कहाँ है? कोई बात नहीं, नए जवाब देना चाहते तो मत दीजिए। वैसे तुम और तुम्हारे दोस्त लड़ क्यों रहे थे? है एक खूबसूरत सी वजह। वजह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है लड़ने के लिए, इसलिए गले मिलने के बहाने ढूंढो, लड़ने की वजह नहीं। ये बात तो अली कहा करता था, कहां चला गया? उसने वो बात क्यों कही जो अक्सर अली कहा करता था? क्या ये इत्तेफाक है या फिर सच में इसका या अली का कोई नाता है? घूर कैसे रहा है ये इंसान, दिल में आ रहा है कि आंखें नोच लूं इसकी। उफ ताबा, ऐसे मत देखिए ना मेरी तरफ, मुझे शर्म आ रही है। तब से बस देख ही जा रहे हैं आप, कुछ बोलिए भी। क्या बोलूं? वही जो आपके मन में है, जो आप बोलना चाहते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहा हूँ? यही कि जिस बहादुरी, जिस दिलेरी के साथ आपने मेरी जान बचाई, उसके बारे में तो आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बताइए ना क्या हुआ था। जी होना क्या था, इधर साया आपको लेकर चला गया, उधर परवाज में सब डर गए, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं फौरन आपको ढूंढने निकल पड़ा अकेला। फिर थोड़ी दूर मुझे पहनों के निशान दिखाई दिए, फिर आपके जेवर मिले, और फिर कुछ दूर पे आप मिले। मैंने जेवर को देखा, आपको देखा। तौबा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं आपको वहां से लेकर निकलने ही वाला था कि वो काला साया अपना काला मुंह लेके मेरे सामने आ गया। लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपनी जान दे दूंगा
सिमी जान नहीं लूंगी। बस ये समझ लीजिए कि अपनी जान की बाजी लगा के आपको साए से बचा के लाया हूं मैं। फेंकने का जो हुनर इंसानों में है वो किसी में नहीं। ये सारे इंसानी मर्द एक जैसे होते हैं, पर हम शैतान भी तो इन्हीं से सीखते हैं अपनी सच्चाई छुपाना। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि मैं सिमी जान नहीं सिम सिम हूं। अरे बहुत कोशिश की उसने मुझे हराने की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आपका नूरानी चेहरा देखकर मुझमें अलग सी एक ताकत आ गई। अरे इतना मारा मैंने उस साए को कि अब वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा। कितना फेंकेगा इंसान, अब तो सच बोल दे, कुछ तो बता रखवाले के बारे में। आपका अंदाज, आपके जलवे, क्या कहे उसके बाद में। लेकिन फिर भी न जाने क्यों दरीबा, मेरा दिल कहता है कि शायद मैंने वहां पर रखवाले को देखा था। क्या रखवाला? अरे नहीं नहीं तुम्हें जान, आप बेहोशी की हालत में थी ना, तो आपको मैं ही रखवाला लग गया हूँगा। अरे मुझसे बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि दूर से मैं रखवाले की तरह लगता हूँ। इसके झूठ से भी ज्यादा घटिया इसके लतीफे हैं। जल्दी जल्दी सच बता दे लड़के, मेरी बर्दाश्त की हद का इम्तिहान ना ले। इस मुलायम तकिए पे अपने मुलायम से गाल रख के सोती थी मेरी जान, मतलब सिमी जान। ये हमारा वो इतर है जिसे वो अपने जिस्म में लगा के खुशनुमा हो जाया करती थी। सिमी जान आपके कैसे हो सकती है? ये माना कि वो आपके घर में रहती है, पर उसने आपका हाथ पकड़ कर कभी कहा कि आपसे प्यार करती है? हाथ छोड़िए मेरे। तो पैर पकड़ लेंगे आपके, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे सिमी जान। खामोश, खबरदार जो उनकी शान में कोई गुस्ताखी की तो, अगर एक लफ्ज और निकालो तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। अरे सिमी जान तो हमारे इश्क में इस कदर दीवानी मस्तानी बनी फिर रही थी कि क्या बताएं? तुम्हें बताते हैं, हमारे पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही थी, आजिजी कर रही थी कि हमें अपनी बेगम बना लीजिए वरना हम अपनी जान दे देंगे। हमने कहा ना, हम भी सदर शाही परवाज है, इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते, थोड़ा वक्त दीजिए सोच के बताएं। इससे पहले कि हमने जो सोचा उसे सोच कर कुछ सोचते, हमारी बेगम हमें गम देकर चली गई। जहन्नम रसीद हो वो साया जो हमारी जन्नत को अपने साथ लेकर चली गई। मैं पूछता हूं कौन है वो मर्दूद, आखिर कौन है वो साया? सदर-ए-शाही। क्यों इतना चिल्ला रहे हो बुजुर्ग? अपनी उम्र तो देखो, इतना तेज अगर चिल्लाओगे तो अपनी आवाज के साथ साथ जान भी बाहर आ जाएगी। क्यों चिल्ला रहे? अब सच सच बताइए। झूठ, हम बोलते नहीं। वो तो हमको इल्म है, क्या कल रात को काला साया ही सिमी जान को लेकर गया था? हाँ हाँ बिल्कुल, वो काला साया ही हमारी आंखों के नूर को हमसे दूर लेकर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि सिमी जान जहां पर है वही काला साया का घर है। हाँ बेशक, मतलब मुमकिन है कि उस साये ने किराए पे कोई घर ले लिया हो तो। हाँ तो हमारे इनाम की हमें दीनारी दीजिए। दीनारी? हमने सिमी जान और उस साया का घर ढूंढ लिया है। अच्छा, साया कहाँ है? वो साया कौन है? वो साया जल्दी बयां करो। कासिम की बेगम। अरे नाजिया को हम इतने सालों से जानते हैं, वो तो बड़ी बड़ी ही डरावनी सी लग रही है। पता है मैं आपको कब से ढूंढ रही थी? हम सबको पुतले बनाने के लिए ढूंढ रही है। सोचो हम इंसान कितने डरावने हैं, और पुतले बन गए तो और खौफनाक हो जाएंगे। अलविदा 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 अलविदा, चलो 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 यहाँ से। नाजिया,
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम साया हो। इतने साल हमारे साथ गुजारने के बाद हमें पुतला बनाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? मजाक अच्छा है पर मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। पता मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। आपके घर गई तो आप अपने घर पर नहीं थे। लोगों से पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ रहबर, और आप मुझे साया बोल रहे हैं। तुम ही साया हो। अगर तुम साया नहीं हो तो फिर सिमी जान तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? सो रही है, वो भी बिन बुलाए मेहमान की तरह सो रही है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपने घर में रहने वाले लोगों को कम कर दूं, मैं लोग क्यों बढ़ाऊंगी? ये जो आपकी सिम्मी जान है ना, वो खुद मेरे गले पड़ी है, इसलिए आप वहां आइए और अपनी सिम्मी जान को लेकर जाइए, वरना मुझसे बुरा वो साया भी नहीं होगा। आपको पक्का यकीन है ना कि वहाँ रखवाला नहीं था? अब वहाँ 8-10 मील दूर तक रखवाला नहीं था, वहाँ सिर्फ मैं था। मैं बचा के लाया हूँ आपको साय से। किसी काम का नहीं है ये इंसान, और जो मेरे काम का नहीं उसे जीने का क्या हक? उन्हें नहीं बचाया था, लेकिन हकीकत में नहीं, सपनों में। क्योंकि असल में तो इनने काला साया देख लिया था ना, इनके पैर हाथ कांपने लगे थे। ये क्या कह रहे हो भैया? सच्ची तो कह रहा हूँ। आई बड़े सिमी जान को बचाने वाले। फिर अब मुझे किसने बचाया? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? सच बताता हूँ मैं आपको, आपको मैं बचा कर लाया हूँ, वो भी मौत के मुंह से। इंसानी मर्द की चाहे उम्र कितनी भी हो, होते सब एक जैसे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत तो यही है। मैंने आपको बचाया है बहुत दम इन छोटे छोटे बाजियों में। तौबा तौबा, आप दोनों इतने दिलेर हैं, जाबाज हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो आप दोनों मुझे मिल गए। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि वहां पे कोई और भी था। रखवाला था ना? बताइए ना कौन था वहां, वो नकाबपोश जो लोगों की मदद कर रहा है, जानते हैं ना आप उन्हें? ओ, वो रखवाला नहीं है, वो फरिश्ता है। फरिश्ता? देखो ना, तुम्हें तो उनका नाम भी याद है, फरिश्ता। इसका तो यही मतलब है ना कि तुम उन्हें जानते हो। तो बताइए ना, वो मुझे यहाँ क्यों छोड़ कर गया, और क्या नाता है उसका इस यतीम खाने से? मुझसे नाता है उसका। वो चिट्ठियों की मदद से मुझसे बात करता है। तो चिट्ठियों की मदद से तो वो मुझसे भी बात करता है। वो चिट्ठी तेरे लिए नहीं, मेरे लिए थी। वो मेरा खास है। सिमी जान, ये खास काम है। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। आप दोनों नहीं, मैं उसका खास। उसने मुझे बोला था कि सिमी जान का ख्याल रखना, और एक और बात बोली थी कि मेरे पीछे से करकमल तू है। इतना झूठ सुन लिया है इन तीनों के मुंह से कि अब मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इनकी बातों में क्या सच है और क्या झूठ। रखवाला का खास बनकर मेरा खास बनना चाहते हैं ये तीनों। मेरी जान, मतलब सिमी जान, आपका अब्दाली आपको लेने आ गया। सिमी जान, ये तो अब्दाली की आवाज है। अभी तक जिंदा है ये नमूना, मुझे फिलहाल यही रहना होगा। पता लगाना होगा कि वो बूढ़ी औरत है कौन जो मेरी असलियत जानती है। कौन है वो रखवाला या फरिश्ता, और क्या नाता है उसका इस यतीम खाने से? इन सवालों के जवाब के लिए मुझे यही रुकना होगा। सदरे परवाज अब्दाली आ गए मुझे ले जाने के लिए।
सच कहूँ तो मुझे यहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि मेरा मन बहुत लग गया है यहाँ। अरे सदर वो होगा बाहर, ये अपना घर है। ये घर आपका कब से हो गया? बोया चुप। मैं वादा करता हूँ सिमी जान, वो आपको यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। आप फिक्र मत करो सिमी जान, अब आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। और इन दोनों से जो हिफाजत करना छूट जाए वो मेरी जिम्मेदारी है। अब्दाली आपको हमसे कभी जुदा नहीं कर सकता, हम उसे आपको ले जाना ही नहीं देंगे। शुक्रिया। वादा तो तुम सब निभाओगे, मेरी गुलाबी जादू का असर जो है तुम लोगों पर। तो वादा कीजिए मुझसे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम कसम खाते हैं। कसम खानी है तो अपने सर पे कसम खाओ ना, मेरे सर पे रख के क्यों कसम खा रहे हो? हम कसम खाते हैं अब्दाली आपको नहीं ले जा पाएगा, ये वादा है हमारा। मेरा भी एक वादा है कि ये दोनों अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। पुतलों को वापस इंसान बनाने की इस रस्म का कामयाब होना बहुत जरूरी है। अचानक से ये मोमबत्तियां कैसे बुझ गईं? मेरी जान, मतलब सिमी जान, खुदा का शुक्र है आपको सही सलामत देखकर जान में जान आई। जी चाहता है खुशी से झूम उठूं। पता है कितने अजीब और गरीब और कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, हम तो इस सोच में डूब गए कि पता नहीं हमें अपने सिमी जान को देखने का मौका मिलेगा या नहीं, या सिर्फ आपकी गुड़िया को देखते रहेंगे। अरे गुड़िया नहीं, पूरी की पूरी सिमी जान को ले जाइए। पूजा के लिए सिमी जान को घर से बाहर मत निकालिए। सिमी जान, खुदा के लिए आप हमारे साथ वापस चलिए। क्यों जाऊं मैं आपके साथ? जब साई ने मेरे ऊपर हमला किया था वहीं पर थे ना, फिर भी नहीं आए थे। अब जब मैं जिंदा हूँ अब आ गए आप, लेकिन अब मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप ही जाइए। नाना सिमी जान कैसी बात कर रही हैं आप? आपको ढूंढते हुए तो हम आपके पीछे पीछे आए थे। हाँ, उस साये की मजाल के हमारे रहते हुए आप पर हमला करें, आपको पता नहीं है वो साया हमारे सामने आया था पहले, हम लोग आमने सामने थे, नजरों से नजरें मिली हुई थी। अरे खूब लथाड़ा हमने उसे, घमासान लड़ाई हुई, ना हम पीछे हटे ना वो आगे आया, हम तो उसे लाल पीला नीला कर देते। शैतानी ताकत है ना, धोखे से हमें बेहोश कर दिया, वरना तो कालिख पोत देते उस काले साये पर। हाँ वो धोखेबाज है। कितना झूठ बोल रहा है तू अब्दाली। अरे मैं ही साया हूँ, मुझसे तो झूठ मत बोल। हम शरणम गच्छामि, शरणम बुद्धम गच्छामि। गुरुजी, काली शक्तियां हावी होने की कोशिश कर रही हैं। आप कुछ कीजिए। Sure.
शैतानी ताकतें हावी हो रही हैं। मुझे इस रस्म को रोकना होगा, वरना गुड्डा और भिक्षुक दोनों की जान चली जाएगी।